हेलो दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं आदि पुरुष के आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर फेल होने की क्या वजह रही। इसके पीछे हजारों वजह हो सकती है, लेकिन हम उन तीन वजह की बात करेंगे। अगर वो तीन वजह सही हो जाती तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा खासा कलेक्शन करती ही करती, साथ साथ में ये लोगों के दिलों में अपनी राज भी। तो ऐसे वो तीन वजह क्या है जानने के लिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आदि पुरुष 16 जून को सिनेमा थिएटर्स में आती है और लोग इस मूवी को देखने के लिए इतना एक्साइटेड थे कि इसकी बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। तरीके से इस मूवी के रिव्यूज आते हैं, जिस तरीके से धार्मिक आस्थाओं पर मजाक बन के रह जाता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो लोगों को बिल्कुल नागवार गए। अगर हम तीन पॉइंट्स की बात करें, अगर ये तीन पॉइंट सही कर लेती तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती, लोगों के बीच में अपना एक जगह भी बना लेती। तो पहला पॉइंट दोस्तों इसमें ये है कि मूवी के डायलॉग जो निहायत ही घटिया और बकवास है, जो की करेक्टर के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। एक टपोरी भाषा का यूज किया गया, एक छपरी भाषा का यूज किया गया, इतने पौराणिक करेक्टर्स के बारे में इस तरीके की भाषा प्रयोग करना बहुत ही निहायत ही घटिया बात है। इसमें श्री रामचंद्र जी के साथ श्री हनुमान जी के साथ इतने शब्दों का यूज किया गया जो बोलने में भी अजीब सा लगता है। दूसरा, इस मूवी में जो रोल दिया गया श्री रामचंद्र जी का प्रभास को, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। कर्स की क्या चॉइस थी, क्या सोच के प्रभास को इस चीज का रोल दिया गया है, लेकिन पूरी मूवी में वो रामचंद्र जी जैसे लगते ही नहीं है जिस छवि को हम लोग जानते हैं और समझते भी है। उनके चेहरे पर एक हमेशा उनके चेहरे पर कभी भी सिकन और क्रोध नजर नहीं आता। सेम इसका अपोजिट अगर होगा तो आप वो प्रभास में देखेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आती नहीं है, पूरे ही समय वो क्रोध में नजर आते हैं। नंबर तीन की हम बात करते, इस मूवी का जो VFX, कई ऐसे जा रहे VFX जिसमें आप देखिए कि रावण जब एनाकोंडा या अजगर या कुछ भी लो उससे जब मसाज लेता है, वो वाला पिक्चराइजेशन सीन बहुत ही अजीब और भद्दा सा लग रहा है, बिल्कुल ऑड लगता है। एक और सीन में है जिसमें रावण को देखोगे आप, वो मांस का टुकड़ा लेके अपने हाथों में लेके अपने चमगादड़ को खिला रहा हो। जिस तरीके VFX इसमें यूज किए गए वो बिल्कुल भी जीरो लेवल के VFX है। ये तीन रीजन थे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के। दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत है? प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।